उस टाइम में विराट कोहली भैया कैसे थे? हर जैसे एग्रेसिव वो तब था, अभी भी वैसा ही है। पाजी जैसे अब आप डोमेस्टिक के T20s और वन डेज में हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। विनीत कुलकर्णी एम्पायर है, हाँ जी हाँ जी, उसने मेरे को बोला, कह रहा है ये यूं, मैंने कहा अच्छा पता नहीं, मैंने कहा मेरे को नहीं समझ आ रहा, ओवर जब खत्म हो जाएगा मैं आपके पास आऊंगा तो बता देना। जैसे मैं उसको कैप दी, कहते तेरे को इंडिया की कॉल हो गई है, तो इंडियन टीम में आ गया। कई लोगों को नहीं पता आपके भाई को, ना हाँ उदय कॉल, मेरा एल्डर ब्रदर, ही हैज प्लेड 100 रणजी ट्रॉफी मैचेस और इंडिया ये भी खेला है और किंग्स इलेवन के लिए भी खेला है 2-3 साल पहले स्टार्टिंग के, मतलब बच्चू पा को मैंने बोला, जिनको मैं एज अ एल्डर ब्रदर मानता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग है उनसे, हाँ क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया एज अ बॉलर, एज अ इवॉल्विंग एज अ प्लेयर। आपका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वाला विराट पाजी वाला गेम बैच था आपका भी, तो उसके बारे में कुछ बताओ। हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मंजोत कालरा। पहले तो यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर दो, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है सिद्धार्थ कौल, और मैं चाहता हूँ आप लोग इस एपिसोड को पूरा देखना क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतने सालों से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो लेट्स वेलकम सिद्धार्थ कौल। रिमेंबर दिस मोमेंट मंजू एंड ही डिलीवर्स विद 100 इन स्टाइल। हेलो पाजी, वेलकम टू द शो। थैंक यू ब्रो, काफी टाइम बाद मिल रहा हूँ पाजी आपसे। मैं लास्ट टाइम दिल्ली में मिले थे, आपको शायद याद भी ना हो। नहीं नहीं बिल्कुल याद है यार। पाजी आज आपसे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, आप इतने टाइम से खेल रहे हो क्रिकेट, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताना भी थोड़ा। तो पाजी हम शुरू करते हैं आज का शो। पाजी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी पंजाब के हाईएस्ट विकेट टेकर बने हो रणजी ट्रॉफी में। थैंक यू, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू पाजी, आपने जब क्रिकेट शुरू करी थी आपने को इंडिया टीम में घुसने के लिए इतना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स प्लस या? बिल्कुल बिल्कुल भाजी, मैं चाहता हूँ उस जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताओ, लोगों को मोटिवेशन मिले जिससे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार बुलाने के लिए, इतने शॉर्ट नोटिस पे हम दोनों ने एक दूसरे का कोलैब करा और आया मैं, थैंक यू सो मच। और उस जर्नी में बेसिकली मैं ये बता सकता हूँ कि पूरी जर्नी में ऐसा रहा कि आप जब खेल रहे होते हो तो आप ये नहीं सोच रहे होते हो कि यार कि मेरे को हिंदुस्तान खेलना है, आपका बस एक ये जुनून रहता है कि मेरे को परफॉर्म करना है चाहे कोई सा भी स्टेज हो खेलने के लिए। तो हर बारी मैं यही सोचता था कि मेरे को परफॉर्म करना है, कि एक स्टेप अहेड रहना है किसी भी प्लेयर से और किसी भी चीज़ से जिस चीज़ में मैं स्ट्रगल कर रहा था इतने सालों से। तो हर साल मैं वो इम्प्रूव करता रहा, तो कभी कभार क्या होता है कि जो स्वीट थिंग्स होती है वो हमेशा इजीली नहीं मिलती आपको, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपको फोकस रहना पड़ता है और आपको डिटर्मिनेशन होती है आपकी कि मेरे को वो चीज़ अचीव करनी है। तो बस उसी प्लेटफॉर्म में करते करते मेरे को बस यही रहा कि हमेशा मैं यही सोचता रहा कि यार कैसे मेरे को बेटर होते रहना है, और वही मैं करता रहा। और थैंक्स टू भगवान जी और थैंक्स टू मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग और मेरे जो गुरु जिन्होंने भी मेंटर्स ने हेल्प करा मेरे को उस ड्यूरिंग इयर्स में 10 साल में, तो मैं वो चेरिश कर पाया कि वो कैप मेरे सर पे आई, जो इतने करोड़ जनता चाहती है कि वो हिंदुस्तान का एक मैच खेल ले या उस टीम में नाम आ जाए वो कर ले। और मैंने हिंदुस्तान के लिए काफ़ी मैच खेला और काफ़ी टूर्स में रहा, तो जितना भी मेरे को मिला उस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ पाजी। और आई गेस आपने बहुत कुछ अचीव भी किया और आगे भी करोगे। यस, जो भी क्रिकेट शुरू करता है उसका पहला ड्रीम तो यही रहता कि इंडिया ही खेलनी है। बिल्कुल, और वो आपने पाजी किया। जी पाजी, फर्स्ट टाइम आपने जो क्रिकेट शुरू करी एज अ फास्ट बॉलर ही करी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता कि एज अ फास्ट बॉलर स्टार्ट करी थी। पहले तो जैसे मोहल्ले में हम खेलते हैं वो सारी क्रिकेट खेलता रहा, तो जब हम शिफ्ट हुए चंडीगढ़ तब जाके एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट ग्राउंड जाना स्टार्ट करा। तो जब ग्राउंड जाना स्टार्ट करा तो मतलब एक वो होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो तो आप सारी चीज़ करना पसंद करोगे जैसे आप मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, पर वहाँ जाके स्पेसिफिकली आपको रोल मिल जाता है कि आपको बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है, आप क्या करते हो। तो मेरे को बॉलिंग करने का पहले से जुनून था, तो बीच में मैंने लेग स्पिन भी स्टार्ट करी थी,
पापा मेरे को चाहते थे कि लेग स्पिनर, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको फास्ट बॉलर होना है तो आपको 6 फुट हाइट होनी चाहिए, थोड़े चौड़े होने चाहिए, कुछ होना चाहिए, पर मेरा ये मिथ लगता है मेरे को। अगर आपके अंदर एक विल हो और आपको कुछ अचीव करना हो तो आपके हाइट और आपके वेट और आपके एज से नहीं मैटर करता, इट्स ऑल अबाउट इन ब्रेन, जो दिमाग है आपको कहता है कि करने के लिए, अगर आपने सोच लिया कि आप वो करते हो, कर सकते हो अचीव, तो डेफिनेटली आप अचीव कर लेते हो। तो जुनून था, तो फिर धीरे धीरे मैं फास्ट बॉलिंग में मतलब इंडर जो हो गया और धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्रूव करने लग गया। तो जब मेरे अगर इनिशियली 2-3 साल जो थे जब मैंने स्टार्ट करा था कि अंडर 14-15-16 जो मैं खेल रहा था उसमें मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा था। हाँ ये था कि हर चीज़ मेरी नेचुरल थी तो मेरे को कोई इंजरीज को नहीं दिक्कत होती थी, या फिर फिटनेस मेरे फादर साहब मेरे जो मेरे कोच है डॉक्टर तेज कौल वही मेरे कोच थे और उन्होंने ही मेरे को सब कुछ, हाँ तो उन्होंने ही मेरे को हमेशा सिखाया। तो मैं अपना नेचुरली करता रहा। मैं उसके दौरान जो इन 3 साल के बीच में मैं MRF फाउंडेशन के लिए भी सिलेक्ट हुआ था तो उसमें भी मैं 3-4 महीने वहाँ पे रहा। जब मैं कितने साल का था, मेरे ख्याल से 13 साल का था, तब मैं पहली बार चेन्नई गया था ट्रेन में ही, यहाँ से चंडीगढ़ से अकेला, पापा ने मेरे की टिकट बुक कराई थी, मेरे को अभी भी याद है वो इंसिडेंट। तो मतलब वो चीज़ सफ़र था, तो उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। वहाँ पर TR शेखर सर मिले थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सिखाया, और तब डेनिस लिली सर थे तो उन्होंने हमें काफ़ी सिखाया। तो मतलब वो भी एक प्रोसेस था कि आप अगर आपने कुछ अचीव करना है तो वो चीज़ में आपका एक आप बेल्ट हो जाते हो, मैं उसके अंदर साथ साथ आप चलते रहते हो। और मेरी एक ये खुशनसीब भी रही कि मेरे को छोटे होते ही मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने घर में आते हुए देखा है, क्योंकि जब हम ग्वालियर रहते थे LNCP में तो वहाँ पे क्रिकेट के जब भी मैचेस होते थे इंटरनेशनल मैचेस तो डैड की एकेडमी में ही आके प्रैक्टिस होती थी इंटरनेशनल प्लेयर्स की। तो सचिन सर को मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े नवजोत सिंह सिद्धू, जब मैं छोटा था तब से मैं देख रहा था। तो एक ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि मैं उनके साथ भी खेल चुका हूँ कई बड़े प्लेयरों के साथ और उनके साथ मैं बैठ भी चुका हूँ, तो वो एक ब्लेसिंग है कि मतलब मेरे को बचपन से मिली। और जैसे मैं बॉलिंग में भी जैसे डेनिस लिली सर को मिला, TR शेखर सर को मिला, तो उन्होंने कई चीज़ें बताई। और वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर थे रामजी, जो इंडियन टीम के लिए भी काफ़ी लंबे समय के लिए ट्रेनर रह चुके हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी इम्प्रूव करवाया। तो वो फिटनेस ने मेरे फ्यूचर जब मैं अंडर 17 में आया, जब इवॉल्व हुआ एज अ बॉलर, तो आई गॉट टू नो हाउ टू बोल एंड हाउ टू डू थिंग्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा उस प्रोसेस में। पाजी एक चीज़ मैं पूछ रहा, तो आप पहले ग्वालियर रहते थे? बिल्कुल। और क्रिकेट बट आपने सारी, हाँ बॉल मैं पठानकोट हुआ था, फिर पठानकोट के बाद फिर हमारी शिफ्ट हो गए थे हम, तो फिर ग्वालियर, वहाँ पे बचपन मेरा ग्वालियर में। और क्रिकेट सारी पंजाब से? हाँ क्रिकेट मैंने स्टार्ट ही क्रिकेट, मतलब अगर मैं ग्वालियर की बात करूँ तो ग्वालियर में मैंने अपना बचपन एंजॉय करा सबसे अच्छा, कुछ साल उसके बाद मैं दिल्ली भी रहे थे क्योंकि मॉम डैड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो पड़पड़गंज एक जगह है वहाँ पे मैं रह चुका हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ साल खेला, मतलब एज एन एंजॉय करा, ना कि प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मैंने क्रिकेट आके और एज एन सीरियस वे में अगर कुछ मैंने हासिल करना चाहा वो मैंने पंजाब में आके करा, और पंजाब ने मेरे को दिया भी बहुत कुछ। वो तो पाजी दिखता ही है सबको। आपने जो फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल क्रिकेट कब खेली? फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल क्रिकेट में अंडर 14 में खेला था, पंजाब को रिप्रेजेंट करा था, तो तब नॉर्थ में मैचेस होते थे, जैसे क्या होता था J&K से खेल सकते हो, हिमाचल से खेल सकते हो, हरियाणा से खेल सकते हो, पंजाब और एक सर्विसेज या फिर कोई रेलवे की एक टीम होती थी, तो वो हमने खेलना स्टार्ट करा था अंडर 14 में। तो तब तो कुछ पता ही नहीं था, तब तो बॉल डाल के सिली पॉइंट पे भी बैठ जाते थे, तो फिर इस उस चीज में मैं ये कह सकता हूँ कि तब भी बस बचपन एंजॉय हो रहा था, तो प्रोफेशनली नहीं बन पाया था। हाँ स्टार्ट अर्निंग हो गई थी, आपको पता चल गया था कि क्या चीज करनी पड़ती है, कहाँ पे मिड ऑफ होता है, कहाँ पे मिड ऑन होता है, कहाँ पे गली होती है, क्या जो चीजें हमें एज ए बचपन में नहीं पता होती, तो वो चीज़ें हमें स्टार्ट हो गई थी। हाँ जी भाजी, अब यहाँ से हम आपकी थोड़ी ओल्ड मेमोरीज को लाइन बीच में, यस आपके लिए भी कुछ बेस्ट मोमेंट्स होंगे वो लाइफ के। आपका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वाला बैच था, आई गेस विराट पाजी वाला गैप बैच था आपका भी, तो उसके बारे में कुछ बताओ।
उससे मतलब उस बैच के बारे में तो मैं यही बता सकता हूँ, ट्रिमेंडस प्लेयर, और हमारे बैच से ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा लोग इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं और करंट भी खेल रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट बैच, बेस्ट था, टच वुड, आई फील लाइक कि एज एन पर्सन वाइज भी, ह्यूमन बीइंग वाइज भी बहुत अच्छे थे, और एज एन प्लेयर्स तो थे ट्रिमेंडस, दैट्स व्हाई दे हैव रीच ऑल ओवर द प्लेसेस वेयर दे आर। तो वो चीज थी। और मैं अगर उस बैच के बारे में बात करूं तो वो 17 में जो मेरा चेंज ओवर आया, वहां से हम सारे एक दूसरे के साथ खेलना स्टार्ट हो गए थे, तो वो बहुत चेंजेस थे वहां पे। मैंने अपने आप को भी डेवलप करा कि एज अ बॉलर, कि मेरे को कैसे ओल्ड बॉल डालना है, नया बॉल डालना है, और जितने भी आप विराट हो गया, सांगवान हो गया, अपना वो हो गया, मनीष पांडे हो गया, सौरभ तिवारी हो गया, तन्मय श्रीवास्तव हो गया, तो हम सारे एक ही ग्रुप में खेल रहे थे तब अंडर 17 से और 19। तो कई लोग पहले ही अंडर 19 खेल चुके थे, ZCA और ये सारा कुछ लग चुका था, तब स्टार्ट हुआ था ZCA का ट्रेंड, तो ये सारी चीजें हुई थी। तो मतलब काफी चीजें थी हमारी सिमिलर, हम एक दूसरे को मिलते रहते थे कोई ना कोई टूर्नामेंट में, स्टेट टूर्नामेंट्स में कि होता रहता था, और काफी ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग थी। तो दैट्स व्हाई मेरे को ये फील हुआ कि मैं, तरवर कोहली और पैरी गोयल जो पंजाब के थे, वो पहली बार सिलेक्ट हुए थे इंडियन अंडर 19 टीम में और स्ट्रेट अवे वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए थे। उससे पहले जो लड़के थे वो सारे इकट्ठे खेल रहे थे अंडर 19, तो हमें कभी ये नहीं फील हुआ कि यार हम फर्स्ट टाइम आए हैं कोई टीम में, तो क्योंकि वो जो अंडर 17 से बॉन्ड बना हुआ है हमारा, फिर 19 में खेले, तो वो बॉन्ड बनता रहा हमारा, और जब हम जब उस वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्ट हुए तो हमें वो चीज फील ही नहीं हुई कि यार अच्छा हम पहली बार किसी में स्टेप इन करें, आप इंडियन टीम में पहली बार आए हो, तो फिर वो चीज मतलब काफी ज्यादा एक मैं कहूंगा कि ब्रदरहुड बहुत ज्यादा था हम सब में, तो वो चीज हमारा एक बेनिफिट भी हुआ, और टचवुड उसके कारण हमने इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप खेले, ऑलमोस्ट आप सारे इंडिया खेले भी उसके बाद, वो वाले वर्ल्ड कप तो जीते जीते हो, कितने सारे लोग उसमें से इंडिया खेले। भाई एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल के अंडर 19 जो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होती है उससे पहले मैचेस भी इतने सारे होते हैं, कितनी सारी सीरीज होती है, उस टाइम पे कैसे होता था? उस टाइम पे बेसिकली हम अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, तो आप क्वालिफाई करते थे, आप नॉकआउट्स खेलते थे, नॉकआउट्स के बाद आप स्टेट में विनर्स बन गए, तो डेफिनेटली उसमें से 3-4 लड़के सिलेक्ट होते थे आपके, तो तब ये नहीं होता था, ZCA का मतलब स्टार्ट ही हुआ था, तो फिर वो फिर उसके बाद होते थे, पर उसमें से क्या होता था कि आप जब क्वालिफाई करते थे तो नॉकआउट्स में से उसमें से कई प्लेयर्स को पिक कर लेते थे, उनको टूर्स पे भेज देते थे। अच्छा। जैसे कभी श्रीलंका टूर हो गया, साउथ अफ्रीका टूर हो गया था, क्योंकि तब इमर्ज हुए ही था ये चीजें स्टार्ट होनी, कि श्रीलंका गए थे उससे पहले, साउथ अफ्रीका गए थे, ये मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश भी गए थे जो मेरे को याद है, और एक और जगह कहीं गए थे वर्ल्ड कप से पहले, तो ये कुछ कोर ग्रुप ने खेल चुके थे ये 3-4 टूर, और जैसे हम थे हमारा सिर्फ स्टेट का एडिशन थोड़ा बाद में वो चल रहा था, तो जब हम सिलेक्ट हुए तो हम स्ट्रेट अवे मलेशिया गए खेलने, जो हमारा वर्ल्ड कप का मेजर टूर्नामेंट था। तो मेरा ये मानना है कि उस टाइम पे इतना ज्यादा, एक तो सबसे बड़ी चीज जो आजकल, जो आज का और उस टाइम के डिफरेंशिएट जो सबसे बड़ी चीज थी सोशल मीडिया का, मैं ये कह सकता हूँ, हमारे टाइम में ऑर्कुट आया था, अब आजकल के टाइम में इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, तो वो बहुत, इंस्टाग्राम वगैरह, हाँ, तो मतलब बहुत चीजें डिफरेंशिएट हो चुकी है, तो आप ये कह सकते हो कि इट्स अ वन क्लिक अवे दिस डेज। तब हमें पता चलता था एसोसिएशन से फोन आएगा, आपको खेलना है, आपको यहाँ जाना है, आपको वहां जाना है, तो ये चीज है। अब आपको वन क्लिक अवे आपके फोन पे ही सारा कुछ आ जाता है, या फिर आपको नहीं होती सिलेक्शन तब का भी आपको पता है, सारी चीजों का पता चल जाता था। उससे पहले क्या होता था कि न्यूज़पेपर और ये सारी चीजों पे आप ज्यादा ध्यान देते थे। तो मेरा ये मानना है कि डिफिकल्ट था पर इंजॉयबल भी था, कि यू हैव अ टाइम टू सिट अराउंड विद पीपल एंड टॉक, और यू हैव अ टाइम टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ, कि आप अपने लिए कर सकते हो, कि कई चीजें आपको अपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो चीजें
आप अपने आप को टाइम दे देते थे, पर आजकल के जो लगता है सिनेरियो में जो वो कम है कि वो चीजें को अगर आप डिफरेंशिएट करें, तो मेरे हिसाब से वो चीज डिफरेंट है। और अंडर 19 का एक बहुत ही अच्छा मतलब दौर स्टार्ट हुआ था उस टाइम से, तो अभी तक का जब भी अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी भी जो रिसेंटली हमारा हुआ, उस जो हम अनफॉर्चुनेटली फाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया से, तो हमारे कुछ लड़के उसमें पंजाब के भी सिलेक्ट हुए, दिल्ली के भी होंगे, और दिल्ली का इस बार बाजी वर्ल्ड कप में कोई था ही नहीं। अंडर 19 कोई बात नहीं है, तो नॉर्थ के जितने भी आए वो ही अपने सारे ही है, मतलब पूरा इंडिया ही अपना है। पर मेरा ये मानना है कि एक एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है जब आपकी स्टेट का कोई रिप्रेजेंट कर रहा होता है बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो बस यही है कि यार उस टाइम पे बस यही रहता था कि यार स्टेट में परफॉर्म करना है जैसे भी करके, और फिर अगर यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे तो रणजी ट्रॉफी मिल जाएगी। हमारे में ये दिमाग में होता था कि रणजी ट्रॉफी भी मिल जाएगी, ना कि हमारे दिमाग में ये आता था कि यार अंडर 19 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि अब तो पता चल जाता है ना कि आपके टूर्स कौन से आ रहे हैं, तो गाय जो भी बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर दो तीन टीमें बना देते हैं पता चल जाता है आपको कि ये सारी चीजें आ रही है, तो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। पर उस टाइम पे हमें सिर्फ ये प्रिपरेशन होती थी कि स्टेट को रिप्रेजेंट करना, हाँ जी, और रणजी ट्रॉफी मिले, हाँ, कि अगर यहाँ अच्छा करेंगे तो हमें रणजी ट्रॉफी या फिर 23 में बुला लेंगे, वो सारी चीजें होंगी। हमारा थॉट प्रोसेस ये था उस टाइम पे। और जो भाजी अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो नाम हुआ ना, जो लोगों को पता चला कि अंडर 19, वो आपके वाले बैच के बाद से ही हुआ? बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले वही तो चीज कह रहा हूँ कि मतलब हर चीज का मतलब प्लेटफॉर्म का अलग अलग महत्व है, क्योंकि उस टाइम पे एक सबसे बड़ी चीज जो हो रही थी इंडिया में IPL आने वाला था, और उससे पहले हम वर्ल्ड कप जीतने वाले थे। अंडर 2007 में हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे T20 वर्ल्ड कप, तो एक बूम आ रहा था इंडिया क्रिकेट में एज एन मैं कहूँगा पब्लिक वाइज भी, एज एन ब्रॉडकास्ट भी, एज एन इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो वो धीरे धीरे जब वो बूम आता है तो आपकी डेवलपमेंट होती जाती है धीरे धीरे, तो अब आप देखोगे कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। अगर मैं 2008 की बात करूँगा क्रिकेट और अब की बात करूँगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है। स्पेशली T20 में अगर मैं बताऊँ कि जब मैं पहली बार 2008 में IPL में सिलेक्ट हुआ था KKR के लिए, तो तब जब कोई आता था प्लेयर तो बेस्ट उसका लिखा होता था +30। अगर बैट्समैन उतरा है तो मैकलम अगर उतरा है तो उसका स्कोर कार्ड पूरा नीचे लिखा आता है, अच्छा, उसमें लिखा था 30 प्लस के, 30 प्लस कितने बनाए हैं, और आज के टाइम में आ रहा है 50 और 100। तो आप देख सकते हो जर्नी कैसे चेंज हो गई है। अब जब बॉलर बॉल डालता है उसकी इकोनॉमी अगर 8 और 9 चल रही है, वो अच्छा बॉलर है। उस टाइम पे अगर कोई 8 और 9 कर रहा है, वो एक्सपेंसिव बॉलर है। तो ये बहुत चेंज हो गया है क्रिकेट को, अगर आप समझो और अगर आप देखो कि आपको कैसे प्लेटफॉर्म में इम्प्रूव करते रहना है डे बाय डे, तो वो चीज बहुत फास्ट हो रही है। हाँ जी, अब क्रिकेट बहुत ज्यादा फास्ट, हाँ, उसके लिए आपको टाइम देना बहुत जरूरी होगा। अगर आप सोचते हो कि 2 मिनट्स मैगी खानी है तो वो कुछ ही देर के लिए है। अगर आपने पनीर खाना है, दाल खानी है, चावल खानी है, उसको आपको 1 घंटा 2 घंटे बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी जाके आपको फायदा होगा। वही स्पोर्ट्स है, वही आपका कैरियर है। कोई भी आप कैरियर में आप घुसे हो, उसके लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपको उसमें लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको कुछ मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो 2 मिनट्स मैगी की खाना है, तो फिर वो तो थोड़ी देर के लिए आपको मजा आएगा, फिर उसके बाद कहोगे क्या यार ये तो खत्म हो गया सब कुछ। सही बात है। तो मेरा ये, मैं लाइफ को इस हिसाब से देखता हूँ। नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है, सीखने को भी मिल रहा है हमें बहुत कुछ। पाजी मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने वर्ल्ड कप जीतने के बाद अंडर 19 जो स्लाइड्स मारी थी, क्या उस सेलिब्रेशन के पीछे का सीक्रेट? अरे कुछ नहीं था, बेसिकली ये था कि एक तो हमें ये पता था कि शाम को बारिश जरूर हो रही है, तो हमारा ये प्लान था कि हम बैटिंग करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग इतनी अच्छी क्लिक नहीं हुई उस मैच में। हमने 169 बनाए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है 169 बनाए। तो और फिर हमारी बॉलिंग थी, तो हमने जब बॉलिंग स्टार्ट करी, प्रदीप सांगवर और अजीतेश अर्गल ने बहुत क्लास बॉलिंग करी ओपनिंग स्पेल,
मेरे ख्याल से पांच पांच या चार चार ओवर डाले दोनों ने। अर्गल ने दो विकेटें ले ली, सांगवान ने एक ले ली थी। उनके मेरे ख्याल से 20 पे 10 तीन आउट हो गए थे या चार आउट हो गए थे, एक उसमें से रन आउट भी था। तो ये जब हो गया तो उसके बाद बारिश स्टार्ट होगी। हाँ जी। तो बारिश इतनी तेज होती थी कि मतलब ऑलमोस्ट हो भी नहीं सकता मैच। और उस टाइम पे सुपर सॉपर वगैरह इतना ज्यादा कुछ था भी नहीं, हो भी मलेशिया में रहा था तो मतलब इतना ज्यादा नहीं था। पर थैंक्स टू गॉड कि वो लिखा हुआ था हमारा, कि ऊपर वाले ने बोला हुआ था, भगवान जी ने बोला हुआ था कि यार तुम जीतोगे। तो वो स्टॉप हुआ ही, फिर हमारा टारगेट आ गया कट टू की 90 बॉल्स 115 रन उनको चाहिए। तो ऐसे कुछ था टारगेट 15 ओवर में, क्योंकि 15 ओवर रह गए डीएल मेथड यूज करने के बाद। तो वो उसमें क्या हो गया कि एक मेजर बॉलर का हमारे मतलब जो टॉप दोनों का एक ही ओवर रह गया था किसी का, मेरे ख्याल से सांगी का रह गया था मुझे जहां तक याद है। तो उसका खत्म हुआ, फिर मेजर तीन बॉलर रह गए, एक मैं, एक इकबाल अब्दुल्ला, एक जड्डू। हाँ जी। अब हम तीन में रोटेशन होनी थी वो, तो वो सिनेरियो बहुत तगड़ा मतलब विराट ने यूज करा और बहुत अच्छा हेल्पफुल साथ में डेव वॉटमोर का रहा फीडबैक, तो वो काफी अच्छा पॉजिटिव रहा। क्योंकि हमें ये पता है कि वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि उनके इनिशियली के जो ओपनर्स जो स्कोर कर रहे थे और सब कर रहे थे वो आउट हो चुके। अब हमारे ऊपर है कि हमने कितना उसको कंट्रोल करके करना है, तो वो काफी अच्छा रहा उसमें में। और जो स्लाइड की बात करूं यार, बारिश इतनी हो चुकी थी, गीला तो था ही, बॉल डालने में डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि जब आप बाउंड्री लगती है तो फिर बॉल गीला ही हो जाता है कि चाहे जितना मर्जी सॉपर चला लो आप। हाँ जी। ये बॉलर ही समझ सकता है कि जब वो बॉल डालनी होती है। तो वो बस ये था, फ्लो तो ये था कि स्लाइड करूंगा नॉर्मल, पर वो स्लाइड ऐसे होगी कि वो ऐसे ही फिसलता ही चले गया मैं। तो फिर रुका ही नहीं। तो मतलब वो एक काइंड ऑफ ये होता है कि जब आप एक अचीवमेंट कर लेते हो और एक आप कहते हैं ना क्लाउड नाइन पे होते हो। हाँ जी। तो आपको कुछ पता नहीं होता, होश नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो बस एक जोश था, क्योंकि उस मैच में कम से कम मेरे ख्याल से दूसरा मैच होगा जिसमें 20,000 लोग आ गए थे, क्योंकि उसमें कोई टिकट्स नहीं होती, कुछ नहीं होता। लोग आए थे। हाँ, वो ग्राउंड बस ऐसे ही डेवलप करा गया था और उसमें वो आ गए थे 20,000 लोग, और मतलब ढोल बज रहे थे, सब कुछ आपको बता नहीं सकता, झंडे ही झंडे दिख रहे थे हमारे कंट्री के। तो मतलब वो एक वो फील करना चाहूंगा फिर दोबारा, अगर ऊपर वाले ने चार्ज अभी भी तो। याद करके आपको मजा तो आता होगा, काफी टाइम बाद मेरे को लग रहा है उसके बारे में बात कर रहे हो। डेफिनेटली, क्योंकि मेरा एक यही मानना है हमेशा कि आप जब भी कोई अचीवमेंट करते हो वो कुछ क्षण के लिए होती है, और उसको आप इतना ज्यादा चेरिश करते हो कि आपको मजा बहुत आता है, चाहे आप वो 100 बारी बोल दो या 50 बारी बोल दो आप कहीं पे भी रह के। तो मेरा ये मानना है कि वो जो क्षण होता है ना आपको एंजॉयमेंट, चाहे वो 2 मिनट का हो, पर वो लाइफ टाइम आपको मजा आता है। जो दुख होता है वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए इसलिए रहता है क्योंकि हम उसके बारे में ज्यादा सोचते रह जाते हैं। जो कहते हैं ना कि यार दुख बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में, वो ये नहीं है रीजन कि दुख क्यों है, वो रीजन ये है कि हम उसके बारे में ही सोच रहे हैं। जो अच्छा टाइम था उसके बारे में हमने थोड़ी देर के लिए सोचा, हाँ हाँ मजा आ गया यार, आज मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, मजा आ गया, खत्म। अब क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, अरे यार प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम वो खींची जा रही है, खींची जा रही है। तो पाजी, अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है ना, क्योंकि जो सिंपल सी बात है कि अच्छा टाइम भी आएगा खराब टाइम भी आएगा, तो आपके ऊपर है कि आपने किस टाइम को ज्यादा बेटर रखना है। जो लेजेंड्स कराते हैं और जो ये कराते हैं उनका क्या, उनका टाइम नहीं खराब आया ही होगा ना, कहीं होगा, किसी का 20 साल आया किसी, पर हम जो उनका अच्छा टाइम आता है हम कहते हैं यार क्या लक्की बंदा है, पर आपने उसकी बैकग्राउंड तो देखा नहीं, जो अभी वो चल रहा है आपने उसका भी नहीं देखा। हमने जो उसका जो USB होगी कि हाँ यार यार 10 साल हो गए ये परफॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर आपने उसको देखा कि वो 10 साल के बीच में जब टाइम मिलता है या कुछ करता है वो क्या किस चीज परिस्थितियों से निकलता जा रहा है, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं यही चीज हमेशा समझता हूँ कि बंदा वही ग्रो कर सकता है जिसने अपने बुरे टाइम को और ज्यादा बेटर करने के लिए सोचा होगा। अगर मैं बुरे टाइम को और ज्यादा सोचता रहूंगा तो वो बुरा ही होता जाएगा, अच्छे टाइम पे तो अच्छा ही चल रहा है यार,
अच्छे टाइम पे तो मैं इधर कोई खड़ा है मैं उसको थप्पड़ मार के भी चले जाऊंगा तब भी वो कहेगा ठीक है यार थप्पड़ मार उसका टाइम है ठीक है, पर जब बुरे टाइम पे अगर मैं उसकी मदद कर दूंगा चाहे मेरे जेब में कुछ भी नहीं होगा या फिर कुछ भी अगर उसको दे तो वो कहेगा कि यार ठीक हो जाएगा तेरा सब कुछ। वो ब्लेसिंग लेनी बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल वो नहीं करते जो मेरे को फील होता है। सही बात है भाई। भाई उस टाइम में विराट कोहली भैया कैसे थे आप उनके साथ? जैसा भाई मस्त सेम बताओ आप लोगों को इंसिडेंट हुआ हो तो जो शेयर कर सकते हो आप। डेफिनेटली यार हर जैसा एग्रेसिव वो तब था अभी भी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, ग्राउंड पे वो टोटली वैसा ही है। हाँ लाइफ उसकी चेंज हो चुकी है, द नेम हैज बीन मच बिगर और हर चीज उसकी थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गया उसी कारण कि जैसे पहले वो खाता था उसने खुद भी बोला इंटरव्यू में कि वो जब वो खाता था तो वो बहुत ही कुछ खा लेता था और ये हमने आंखों से देखा कि वो क्या क्या खा लेता था, पर उसने एक अपने आप को मिरर में देखा, उसने सेल्फ टॉक करी, उसने अपने आप को सोचा कि अगर मेरे को हिंदुस्तान के लिए रहना है तो कैसे रह सकता हूँ, अलग करना पड़ेगा। अलग नहीं, एक मेरा यही मानना है कि अलग नहीं उसने कुछ सोच के करा, उसने ये देखा कि यार कि एक नॉर्मल जो इंसान है अगर उसकी अगर ऐसा खाता रहेगा और वो चलता रहेगा उसको इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ। मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मेरे लिए कितना हार्म होगा ये चीज, तो उसने ये चीज सोची कि क्यों ना मैं इम्प्रूव करूं, लेट्स सी कि मैं कितनी बाउंड्रीज तोड़ सकता हूँ। वो अभी तक तोड़ता आ रहा है, वो चीज थी उसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने कुछ डिफरेंट करना चाह, उसने कुछ नहीं डिफरेंट, उसने बस ये कहा कि ये चीज अच्छी नहीं है, जो अभी इससे पहले बात करी थी मैंने कि बुरा टाइम और अच्छा टाइम, ये चीज बुरा हो रहा है तो फिर मैं हटा देता हूँ ना, क्रिकेट तो नहीं कोई छीन सकता था उससे, उसके बैट के डिफेंस, उसका मीट करना, उसका छक्के मारने, उसका फ्लिक खेलना, वो तो नहीं कोई छीन सकता था। उसने क्या कहा कि ये चीज मेरे इस चीज को खराब कर सकती है फ्यूचर में, तो क्यों ना मैं उसको सब्सट्रैक्ट करूं। उसने वो धीरे धीरे वो सब्सट्रैक्ट करता गया, वो ही यहाँ की बात है। आप यहाँ से जितना स्ट्रांग हो गए तो वो इजी हो जाएगा। अभी आप बैठे हो, मैं आपको कह दूं कि यार तेरी शर्ट पे वहां पे कुछ लगा हुआ है, आप इमिजिएटली यूं देखने लगे जाओगे। हाँ जी ठीक है, मैं बार बार गई जाऊंगा तो फिर आप देखोगे, आपके माइंड में मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ ना कुछ ना कुछ। हाँ जी वो ध्यान, हाँ ध्यान वहां चले जाएगा। अगर मैं आपको कहूंगा कि यार इधर आ, मैं यूं कर दूं साहब, ओहो क्या था, तो यही पूछेगा, वो खत्म कर दिया ना। हाँ जी अगर मैं वो उस चीज के ऊपर मैं फोकस कर बोलता रहूंगा, तेरा फोकस उस पर चले जाएगा तो फिर वो फायदा क्या, ग्रोथ थोड़ी हो रही है उसमें। तो उसने क्या कहा कि यार मेरी क्रिकेट खराब हो रही है, जिसने मेरे को इतना चीजें दी है तो क्या है, ये खाना ही है, मैं क्यों ना कुछ अलग चीज खा लूं। उसने वो चीज छोड़ी, फिर फिटनेस और बेटर कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कहूँ पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में भी आफ्टर क्रिस्टियानो अगर किसी की बात होती है वो इस बंदे की बात होती है, विराट की होती है ना भाई। तो वो क्यों होती है, वो इन चीजों के कारण होती है जो उसने सेक्रीफाइस करे, सेक्रीफाइस नहीं कहूंगा मैं, ये कहूंगा कि अपने आप को रिवॉल्व करा उसने कि इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए उसने। ये तो है नहीं कि वो तब नहीं रन कर रहा था, तब भी 100 बना रहा था, तब भी वो 200 करता था उसमें, उस वेट में उसमें, पर उसने कहा कि यार अगर हिंदुस्तान खेलना है उसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, कोई कैप दे रहा है उसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो वही चीज थी। एकदम ठीक बात है, बट एग्रेशन वैसे का वैसी है। हाँ अगर वो खत्म हो गया तो आप सोचो विराट कोहली विराट कोहली रहेगा, एक मेरा वैसी क्वेश्चन है। नहीं अगर माही भैया से कूलनेस हटा दो, गुस्सा करते भैया ठीक है, सबको पता है कि गुस्सा करते हैं ठीक है, थोड़ा थोड़ा कमेंट भी कर देते बीच बीच में, चाबी लगा देते किसी को, पर अगर वो हटा दो माही भैया में से, अगर विराट कोहली में से अगर एशियन हटा दो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो में से हटा दो, किसी भी जो भी लेजेंड्स आपके नजर में है ठीक है, अपने किशोर कुमार सर जो सिंगर थे उनके संगीत का कुछ जो उनकी मेलोडीज थी उनका जो मजाकपन था वो हटा दो तो फिर वो नहीं रहेंगे ना, वो बात रहेगी, सिंपल सा फंडा है मेरा। तो वो इसलिए वो ऐसे है क्योंकि वो यूनिक बनना वाले थे और वो इसलिए लेजेंडरी कहला रहे।
सही बात, सिंपल सा फंडा है मेरा भाई। अब एक चीज, ये थोड़ा सीरियस क्रिकेटिंग क्वेश्चन है, ये मेरे को थोड़ा बताना, और जो लोग क्रिकेट भी अभी खेल रहे जैसे यंगस्टर वगैरह, भाई आज के टाइम में जो मीडियम पेसर्स वगैरह है वो क्विक भी है बट उनको इंजरीज की प्रॉब्लम भी आ रही है। टच वुड पाजी, आप इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो, ऑलमोस्ट आपको एग्जैक्टली कितने ईयर्स हो गए पाजी क्रिकेट खेलते यार? एग्जैक्टली अंडर 14 से लगा लो, अब मैं 33 का हूँ, हो गए 20 साल हो गए क्रिकेट खेलते। 21 साल हो गए आपको पाजी, आपके इंजरीज वगैरह इतनी रहती थी? मेजर इंजरी दो ही आई है बस, टच वुड ऊपर वाले की ब्लेसिंग से दो ही आई है। हाँ जी, तो भाई पर उसको भी ओवरकम करते हुए, उस टाइम पे तो फिजियो भी नहीं थे, पर ओवरकम करते करते सिर्फ जब भी स्टॉप हुई है 2-3 महीने के लिए गेम स्टॉप हुई है। पाजी जैसे आज के टाइम की जो मीडियम पेसर है, फास्ट बॉलर भी अच्छा क्विक बॉल डाल रहे हैं, काफी नामी प्लेयर भी है, बट पाजी इंजरीज वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है उनको, मतलब आपको क्या लगता है? यार मेरा तो ये मानना है, देखो यार सिंपल सी बात है, जो विराट ने करा है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो करता है, उनका एक रूटीन है लाइफ में, सोना, खाना और अपना बॉडी को टेक केयर करना, एज इन जिम, एज इन रनिंग, एज इन जो आपकी स्पेशलिटी है, आप बैटिंग करते हो तो बैटिंग, आप बॉलर हो तो बॉलर, ठीक है ना, और विकेट कीपर हो तो उसको डबल दम लगाना है, ठीक है। ये तीन एस्पेक्ट होने, आपको समझने, अंडरस्टैंड करने, जैसे कहते हैं ना कि मम्मी होनी कहते थे कि अगर आपको जुकाम हो जाता है तो यार एक देसी इलाज बनाओ, उसको घोटो और पी लो, आप ठीक हो जाओगे। तो ये तीनों चीज़ें होनी, अगर जिस स्पोर्ट्स पर्सन को, पर्सन प्लेयर्स को, खासकर यंगस्टर्स को, जिनको समझ आ गई जितनी जल्दी, हाँ जी, वो बंदा एक्सेल करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूंगा हमारे स्टेट में और हिंदुस्तान का प्रिंस शुभमन गिल, अंडर 19 बॉय बिकम अ मैन, आप उसका ट्रेनिंग शेड्यूल देख सकते हो, आप उसके हैबिट्स देख सकते हो, आप उसका ग्राउंड में एटीट्यूड देख सकते हो, वो डिफरेंट इसलिए है, उसके एज ग्रुप के भी आप देख लो जितने 19 खेल चुके हैं, जितने उसके पहले भी 19 खेल चुके हैं, उसके बाद भी खेले हैं, आप एक बार ही देख लो और फिर आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत हूँ उस टाइम। नेपाल जी हम भी खुद साथ किया, मैं देखो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को कि हाँ इंजरी होगी तो वो कम बैक नहीं कर सकता, कर सकता है अगर यहाँ पे आप सोचोगे कि मेरा हो सकता है, ठीक है। हाँ कई इंजरीज ऐसी होती है जिसमें आपका बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो आपको अच्छे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और फिजियोस और ट्रेनर, ये चारों बंदे होने, एक जैसे कहते हैं ना एक माला बनाने के लिए सारे मोती एक धागे में होने चाहिए, वैसे ये होने चाहिए अगर आपको कभी इंजरी है बहुत सुवेयर वाली, तो ये चार बंदे आपके मतलब वो होने चाहिए मेन। दूसरी चीज मेरा ये मानना है, जो इंजरीज जो आ रही है, जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बोला, स्लीप पैटर्न बहुत खराब है जो मेरे को फील होता है, फिर ईटिंग हैबिट्स इतनी नहीं तगड़ी। हाँ भाई आप खाते हो एप्पल, चलो मैं भी एप्पल खा लेता हूँ, आप खाते हो बनाना, चलो मैं भी बनाना खा लेता, अरे भाई तेरी बॉडी को जरूरत है, आपकी बॉडी को, मैं कह रहा हूँ मैं घी खाऊंगा, साथ वाले देखने लगे अरे पाजी तो घी खाते हैं इनके फिर भी फिट रहते हैं, अरे यार तू घी खाता है तो तू तो मोटा ही जा रहा है, नहीं पाजी आप खाते थे, अरे तू तो देख तेरे को वो बॉडी को पैटर्न को तेरे को हो रहा है, तू उसका ऑल्टरनेटिव देखना, तू पनीर ले ले, तू कुछ और चीज देख ले, मक्खन देख ले, कि क्या पता आपको उससे ना फैट चढ़े आपकी बॉडी में, आप लेजी ना हो उस टाइम, तो ये चीज बहुत जरूरी है। सिंपल सा एक देसी भाषा में कहूँ, भेड़ चाल होनी नहीं चाहिए, अगर भेड़ होनी चाहिए ना तो आपको घोड़ा दिखना चाहिए उन भेड़ों में, बिल्कुल मेरा ये मानना है कि अगर भेड़ चाल कर चल रहे हो तो आपको बताना चाहिए आपको घोड़ा कैसे दिखना है उस भेड़ों में, सिंपल सा फंडा।
फिर आपका मैंने स्लीप बोल दिया, स्लीप का तो आपको देखना पड़ेगा कि 8 घंटे चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे मर्जी हो जैसे नहीं, ठीक है, वो आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको खाने की हैबिट्स का हो गया, खाने की हैबिट्स आपको सब। फिर आपको वर्थ एथिक्स ऑफ ट्रेनिंग, कि अगर कोई बंदा क्लीन एंड जर्क कर रहा है, कोई स्क्वाट्स करता है, कोई डेडलिफ्ट करता है, वो उसकी बॉडी को फायदा हो रहा है ना भाई। हाँ जी, ये थोड़ी है कि वो करते हैं तो मेरी भी बॉडी, हाँ सारे फास्ट बॉलर क्लीन एंड जर्क कर रहे हैं, अरे मेरी बॉडी को नहीं होता, जरूरी थोड़ी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड द पर्सन हु इज ट्रेनिंग यू। अपनी बॉडी को भी समझना यार, बॉडी को ही नहीं मैं अगर समझ पाऊंगा तो मैं कैसे उसका आउटकम ले पाऊंगा। एक मशीन है जो पेपर बनाती है, अगर वो पेपर नहीं बनाती होती तो वो क्या बनाएगी? ये जिसने उसमें फीड डाली है, जिसने उसमें कमांड डाली है, वो पेपर बनाने की डाली है ना। वो पेड़ भी बनवा सकती थी, पर पेड़ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बन ही नहीं सकता, पेड़ तो उधर से होता है, जमीन में लगाओगे बीज तो जाके उगेगा आपका पेड़। पेपर तो बेसिकली पेड़ का वो कुछ टहनियाँ कट के वो फिर बना के पेपर बनता है ना, तो वो वरना पेड़ ही बना देता भाई तू सीधा ही मशीन से। तो ये मानना बहुत जरूरी है कि आपको जरूरत है उस ट्रेनिंग की, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है वो ट्रेनिंग को, आपके बेसिक्स अच्छे है, वो चीज सब है। आपकी बॉडी में क्विक ब्लड सेल नहीं है, कि आपकी स्पीड नहीं है, ठीक है, आप तेज नहीं भाग पाते, ठीक है, उसको डेवलप करो, उसके लिए एजिलिटी एक्सरसाइजेस करो। ये आपको देखना है ना, जब तक मेरे को पता ही नहीं होगा, हाँ भाई मैं खेलता हूँ, मैं बैटिंग अच्छी करता हूँ, मैं बॉलिंग अच्छी करता हूँ, पर जब स्प्रिंट मारनी होती है मैं सबसे स्लो हूँ यार। हाँ जी, तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप? 10 साल हो गए आपको खेलते हुए, आप क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हो, आप स्टेट लेवल भी खेल रहे हो, आप इंडिया के भी पास पहुंचने वाले हो, पर आपकी स्पीड नहीं बड़ी भागने की, आप वहीं पे हो। अरे यार एंड में बाद में ये बोल देते हैं यार फील्डर थोड़ा ढीला, वो कैसे आप करोगे? तो खुद करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? जब मैं अपनी बॉडी को समझ पाऊंगा कि भाई मैं इसमें लैक कर रहा हूँ, मेरे को ये चीज इंप्रूव करनी है, तो वो चीज है मेरा मानना कि ठीक है आप 150 डालते हो, आप चाहे 140 डालते हो, चाहे आपसे 130 डालते हो, पर आपको ये समझना जरूरी है कि 150 वाले की ट्रेनिंग अलग होगी, 140 वाले की अलग होगी, 130 वाले की अलग होगी भाई। ये ना हो कि 150 वाला भी वही ट्रेनिंग कर रहा है, 140 वाला भी वही कर रहा है, 130 वाला भी वही कर रहा है, जो इसकी स्विंग और जो इसकी कला है वो खराब होगी, 140 वाले में और कुछ हो गया, वो 150 वाला तो फिर पता नहीं क्या चल रहा है उसका, कब वो ब्लास्ट हो जाए कब ठीक हो जाए। सही बात है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। तो मेरा ये मानना है भाई, मैं तो इस मतलब मेरे फादर साहब ने और जो मेरे ट्रेनर्स भी रह चुके हैं जिनके साथ मैं अब कर पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, सागर दीवान जो इधर CGA में है, वो तब से मेरे साथ 10 साल से, मैं जब से इंट्रोड्यूस हुआ उनके साथ, टचवुड वी हैव नेवर सीम और फेल्ट एनीथिंग रॉन्ग अबाउट आर ट्रेनिंग, और मेरे को प्रोग्रेशन से बेटर ही हो गया हर साल। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत से यंग क्रिकेटर्स जो अभी भैया ने बात बताई अगर वो सुन रहे हैं तो आई गेस बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड काफ़ी मोटिवेशनल भी है भाई, ये रूटीन फॉलो करें तो वो बन जाए प्लेयर काफ़ी अच्छे खासे। प्लेयर बनना ना बनना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा ये मानना है कि अपनी बॉडी को बेटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि आफ्टर कोविड आपको पता चल गया होगा कि कितने सर्कमस्टांसेस हुए कि हमने अपने क्लोज वंस को खो दिया है छोटी छोटी उम्रों में, तो वो मेरा ये मानना है वो उसी के कारण है कि जो हैबिट्स हमारे ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यार बिल्कुल ही ऐसा खाना खाओ वैसा खाना खाओ इतने बजे सो जाओ, ये पर किस चीज़ को तो बेटर करो, बिल्कुल, चाहे आप खाने को बेटर करो, चाहे आप सोने को बेटर करो, क्योंकि वो बेटर होगा तो आपकी बॉडी एक अलग बिहेव करेगी। एक मशीन को आप चला रहे हो, ठीक है, 20 साल से, उसमें आप ना तेल डाल रहे हो ना कुछ डाल रहे हो, बस उससे सामान ले जा रहे हो ले जा रहे हो ले जा रहे हो, वो कभी तो फटेगी, कभी तो डेड होएगी किसी दिन, ठीक है। और आप खाना डाल रहे हो, एक नाली है,
मान लो, ठीक है, उसमें मैं गंद डाली जा रहा हूँ बार बार, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक डाली जा रहा हूँ, ठीक है, वो भर के कुछ तो निकलेगा उसके बाद। वैसे अपना शरीर है ना, सिंपल सी बात है कि अपने शरीर में अगर आप कुछ गलत प्रोडक्ट्स डालते रहोगे, कुछ तो होगा ना उसका असर। तो वो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बेसिकली। भाई आई गेस इनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और भाजी जैसे अब आप डोमेस्टिक के T20s और वन डेज में हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच भाजी। आते अब आपके थोड़े इंडिया डेब्यू पे, आपका जब डेब्यू हुआ वो कैसे, कब और क्या मूवमेंट था उस टाइम पे आपके लिए? उसमें तो बस मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा है क्लाउड नाइन वैसा ही था, क्योंकि आप एक बहुत सालों से आप लगे होते हो कि मेरे को ये हासिल करना है, तो वो जब कॉल होती है तो एक अलग ही फीलिंग है उसका। मैं बेसिकली ये कहूँगा कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है जब मैं अमृतसर में खेल रहा था डेज का मैच, उस टाइम पे हमारा मैच चल रहा था तो बज्जू पा हमारे कैप्टन थे, तो मैं उस टाइम पे बॉल डाल रहा था, मेरा स्पेल हो चुका था, मतलब 6-7 ओवर का हो गया था उस विकेट पे, फ्लैट विकेट था हमारा, मेरे ख्याल से उसके साथ मैच चल रहा था बंगाल के साथ ही चल रहा था वो मैच। तो बस बॉल डाली जा रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, विकेटें तो मिल रही थी पर वो होता ना एक डेड गेम चल रही थी। तो मैं फाइनल लेग पे खड़ा था, तो जो इधर विनीत कुलकर्णी एम्पायर है, हाँ जी हाँ जी, उसने मेरे को बोला ऐसे करके इशारा, उसके कैप के उस पे कंट्री का सिंबल था, ठीक है, जो हमारा एनुअल है, जो हम उसको लोगो है जो हमारा उसका वो था, तो मैं क्या पता नहीं क्या कही जा रहा है, इशारा कर रहा था। हाँ इशारा कर रहा था, मैं फाइनल लेग पे खड़ा हुआ था, मैं क्या पता नहीं क्या कह रहा है, तो मैंने कहा क्या कह रहे हो आप, यूं ही ऐसे ही इशारा कर रहा, कह रहा है ये यूं, मैंने कहा अच्छा पता नहीं, मैंने कहा मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं ओवर जब खत्म हो जाएगा मैं आपके पास आऊँगा तो बता देना। तो जैसे मैं उसको कैप दी, कहते तेरे को इंडिया की कॉल हो गई है, तो इंडियन टीम में आ गया। अच्छा मैच चल रहा था। हाँ मैच चल रहा था, ओवर डालने ही जा रहा था, फिर दोबारा मतलब 7वां 8वां ओवर डाल रहा था, उससे पहले मैंने बज्जू बा को कह दिया भाजी मेरी बस होगी, मैं अब नहीं स्पेल पा रहा, लंबा स्पेल हो गया, मैं बस रहने दो, कह रहे चल एक और पाजी कहते पंजाबी च, तो मैंने कहा हाँ जी मैं एक पा दूंगा, तो मैंने कहा क्या मजाक कर रहे ऐसे थोड़ी, कह रहे मेरे को ना ऊपर से मैच रेफरी का मैसेज आया कि सिद्धार्थ को बता दो, उसकी तब श्रीलंका आ रही थी यहाँ पे तो वन डे खेलने, तब मेरे को कॉल हुई थी 2017 खत्म होने वाला था तब की बात है, तो फिर मैच मेरे को डेब्यू हुआ मेरा 18 में, ठीक है, इंग्लैंड टूर और आयरलैंड टूर के लिए। तो जब उन्होंने मेरे को कहा कि, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मेरे एक तो पहले मतलब एक कहते हैं ना कुछ गूज़बम्प भी नहीं कह सकता यार, कुछ ब्लड रश हो जाता है ना आपकी बॉडी से, कुछ ना कुछ निकल जाता है ऐसा, मतलब ये कहते हैं ना निकल गई जान, वो टाइप सा फील हुआ। भाई बस एक चीज और बताओ, क्या उस टाइम पे जब आपको न्यूज मिली तो जो मैच आपका चल रहा था वहां ध्यान लग रहा था उस टाइम आपका? ध्यान तो लगा, मैं बताता हूँ ना बात क्या हुई, तो अनफॉर्चुनेटली भाई नहीं खेल रहा था वो मैच, तो भाई बाहर बैठा हुआ था, तो थोड़ा इमोशनल था उस टाइम कि भाई को मैंने कहा, लोगों को नहीं पता आपके भाई को नंबर, हाँ उदय कौल मेरा एल्डर ब्रदर, ही हैज प्लेड 100 रणजी ट्रॉफी मैचेस और इंडिया ये भी खेला है और किंग्स 11 के लिए भी खेला है 2-3 साल पहले स्टार्टिंग के। ये शायद आपको पता नहीं होगा पाजी, मैं आपके ब्रदर से यूके में मिला हूँ। अच्छा, शुभमन के साथ हाँ। मिलके हमारी टेस्ट सीरीज थी वहाँ पे, तो आपके ब्रदर से मिलके आए थे मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई मतलब टचवुड भाई को अनफॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं और वो भी कह सकते हैं कि नसीब में नहीं लिखा था, पर हिंदुस्तान नहीं मिल पाया, पर उसने 100 रणजी ट्रॉफी मैच खेले, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि और ट्रिमेंडस रिकॉर्ड रहा है उसका एज अ बैट्समैन और विकेट कीपर। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के लिए ऊपर वाले से और भगवान से और मेरे फादर मदर की ब्लेसिंग से हमने कुछ हासिल किया एज अ क्रिकेटर लाइफ में। तो कट टू कि मैं भाई को देखा, तो भाई को मैंने कहा कि भाई हो गया, मतलब ऐसे ही बोला मैंने उसको, वो बाउंड्री लाइन पे खड़ा था, तो मैंने कहा जा देख क्या ऊपर,
तो वो फटाफट भाग के गया, उसने मैनेजर, तब फोन नहीं अलाउड होते, तो मैनेजर को आ उसने कि अपने फोन में देखो कि ऐसे ऐसे सिद्धार्थ को कॉल होगी है, टीम देखो टीम आ गई होगी। तो जब हुई तो उसने वहाँ से मतलब चिल्ला के बोला, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था वो मोमेंट, और मतलब काइंड ऑफ एक ये कह सकता हूँ कि बिगेस्ट अचीवमेंट थी हमारी। ये इमोशनल हो गए काफ़ी आप इस बात पे। इमोशनल इसलिए यार कि फैमिली ने जो स्ट्रगल करा मेरे फादर मदर ने लाइफ में अचीव करने के लिए, मेरे को ऐसा फील होता है उनको नहीं मिल पाया, मेरे ब्रदर ने इतना कुछ करा उसको नहीं मिल पाया, उनकी मेहनत मेरे को लग गई कि मैं ये सोचता था कि कई बार कि मैं उतना डिजर्विंग नहीं था, पर मेरे को हिंदुस्तान मिला। तो एक कहते हैं ना आपके फैमिली में वो एक ब्लेसिंग हो जाती है, तो वो अचीवमेंट मिलने की कंट्री को रिप्रेजेंट करना जो हर इंसान की वो होती है कि चाहे वो किसी भी चीज़ में हो कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। बट पाजी तो आपने करके दिखाया अपनी फैमिली के लिए। हाँ तो वो चीज़ हुई, तो वो ही उसी कारण जो मतलब ये तो बहुत टाइम पहले की बात है, 2018 सात साल हो गए ऑलमोस्ट, तो मतलब एक इमोशनल बंदा हो ही जाता है उस चीज़ को सोच के, 5 साल हो गए सॉरी प्रिस्क्राइबली बोले तो मतलब वो चीज़ थी, क्योंकि मैंने वो जो अब उसका इमोशंस, उसने चिल्लाया, उसने जो इमोशन दिखाया, तो वो चीज़ दिमाग में आ गई अभी बोलते बोलते, तो वो चीज़ थी। तो कट टू मैं अगर बात करूँ तो फिर भाई ने मतलब बज्जू पा को मैंने बोला, जिनको मैं एज अ एल्डर ब्रदर मानता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग है उनसे। हाँ क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया एज अ बॉलर, एज अ इवॉल्विंग एज अ प्लेयर, एज अ गलतियाँ जो मैं करता था उन्होंने एज अ हर चीज़ मतलब बिग ब्रदर मैं कह सकता हूँ वो उन्होंने। क्रिकेट के बाहर भी? क्रिकेट के बाहर भी ऑब्वियसली, जब भी अगर मेरे को ज़रूरत होती है वो ही स्टैंडिंग ओवर देयर, और हमेशा हेल्प करी है उन्होंने, बताया उन्होंने, कराया उन्होंने, प्यार दिया सब कुछ। सेम एज यूवी पाजी भी ही इज़ लाइक मेंटोर एज वेल, बिकॉज उन्होंने हमें जब हम 23-24 के थे उन्होंने हमें देखा है ग्रोथ होते हुए एज अ प्लेयर, और उस दौरान में फिर आप हिंदुस्तान खेल जाओ तो एक अचीवमेंट फील होती है कि जो इतने बड़े लेजेंड्स हुए हैं कंट्री के लिए, पंजाब के लिए और उधर के लिए, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकती लाइफ, सोने पे सुहागा कह सकते हैं उस चीज़ को। मैंने देखा यूवी पाजी काफ़ी पंजाब के यंगस्टर को सपोर्ट भी करते हैं, अभिषेक के भी मैं बिल्कुल, अभिषेक हो गया, शुमन हो गया, अनमोल प्रीत हो गया, बहुत प्रभ सिमरन हो गया, बहुत लड़कों को मतलब लॉकडाउन में पाजी ने प्रैक्टिस कराई है स्पेशली अपने साथ, हाँ जी, हाँ जी। बुला बुला के अपनी ट्रेनिंग जिम में, अपने जब कहीं पे जिम नहीं खुला तो पाजी ने अपना घर खोल के दिया उस टाइम पे जहाँ पे मारामारी चल रही है अपने जिंदगी के लिए, हाँ तो उस टाइम पे पाजी ने इतना हेल्पफुल रहे। सेम एज बज्जू पा हमें अगर अभी भी कोई काम पड़ता है, अगर कुछ भी होता है तो ही ऑल्सो स्टैंड हीज, वो हमारे एसोसिएशन में काफ़ी हेल्पफुल है, उन्होंने बहुत प्लेयरों की हेल्प करी है जो लड़के नहीं खेल पा रहे उनके लिए कर रहे हैं, और इतने हमारी एसोसिएशन नए फास्ट बॉलर्स डेवलप करने के लिए एक वो भी स्टार्ट करी है उन्होंने एकेडमी, तो मतलब हर चीज़ का मतलब एक वो है गिव एंड टेक है। तो और जो लेजेंड्स बनते हैं वो हमेशा गेम को देते ही आए हैं, तो मेरे को ये फील होता है इन दोनों दिग्गज प्लेयरों की वजह से हमने कुछ सीख पाए। हाँ जी, यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ उनकी भी बदौलत है क्योंकि वो हमें गाइड करते थे कि कैसे बात करनी है, कैसे आपको उठना है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे एज अ बॉलर आपको सोचना है, कैसे एज अ बैट्समैन आपको, फील्डर आपको कैसे, फील्डिंग के बारे में बहुत समझाते थे हमें कि कब अटैक करना है, कब डिफेंसिव रहना है, कब बैकअप करना है, वो सारी चीज़ें हमें सिखाई गई है, तो मतलब उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है आपके करियर में, उनका भी एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। क्या आपकी इंडिया टीम में सबसे अच्छी बॉन्डिंग कैसे आती? यार मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे साथ सबकी अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि पहली बार गया था तो सारी
मेरे सीनियर भी थे और कुछ मेरे साथ खेले भी हुए थे, तो काफी अच्छी बॉन्डिंग है। और भुवनेश्वर के साथ ज्यादा बॉन्डिंग थी क्योंकि तब मैं SRH में था, सनराइजर रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके वहां से बॉन्ड बना हुआ था। और हम अंडर 19 भी साथ खेले हैं सारी गेमें, फिर वो रणजी ट्रॉफी खेलने लग गया था तब हम 23 खेल रहे थे, फिर वो इंडियन टीम चले गया तो हम फिर उसके बाद हम मिले उसको IPL में, तो फिर धीरे धीरे और बॉन्ड बनता गया, फिर जब इंडियन टीम में आ गए तो फिर बॉन्ड बन गया। तो मतलब वो काफी अच्छे रहा, अभी भी होती है उनसे बात आखिर इतनी नहीं होती, पर जब भी अगर आमने सामने थे तो वी सिट अराउंड अच्छे टाइम के लिए बैठते हैं। और विराट भी ऐसे होती है बात कभी काफी, हाँ फोन पे मैसेज जब भी वो हर बारी तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो हर बारी मैसेज करते हुए बंदे को वो लगता है कि यार बड़ा अजीब सा है, तो फिर एक ही साथ में मैं जितने भी वो कर देता है तो फिर उसमें मैसेज कर देता हूँ और उसका भी रिस्पॉन्स आता है उसमें। और जब हम साथ में थे पिछले 2 साल RCB में तब तो बहुत ज्यादा ही मस्ती करी है साथ में, सेम जैसे अंडर 19 में होती थी। वैसी तो नहीं हो सकती क्योंकि अब फैमिली, मेरी भी फैमिली है, उसकी भी फैमिली है, तो वी हैव टू टेक टाइम फॉर देम, पर जब भी हम ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं तो वो पुरानी बातें, फिर पुरानी मस्ती वो तो हो ही जाती थी उस टीम में। और पाजी जैसे आप IPL ऑलमोस्ट कितनी फ्रेंचाइजी DC RCB SRH और KKR से खेल लो, पहले दिल्ली डेयर डेविल थी वो, हाँ जी दिल्ली डेयर डेविल तब, हाँ जी, तो आपको इनमें से बेस्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो पर्सनली आपके लिए कौन सा बेस्ट लगी आपको? यार पर्सनली तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो मैं SRH को कहूँगा, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को मौका दिया था, सबसे ज्यादा चांसेस आपको विन से मिले सबसे ज्यादा, और परफॉर्म भी मैंने उनके लिए सबसे ज्यादा करा था। सेकेंड द बेस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि RCB, क्योंकि उनका जो बिलीव सिस्टम है और जो उनका वर्थ एथिक्स है और जो सारी चीज़ें एक प्रोसेस है वो बहुत नाइस है और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आई फील लाइक कि मतलब ये दो टीमें जो मेरी वन ऑफ द बेस्ट रही, होपफुली अब फ्यूचर में किसी और टीम में सिलेक्ट होते हैं या फिर दोबारा इन दोनों टीमों में किसी में होता हूँ तो इट विल बी ग्रेट फॉर मी। पाजी एक लास्ट दो चीज़ें पूछूंगा मैं आपसे जी, आपके हिसाब से पर्सनली जो आपका लगता है, जैसे बैट्समैन का कभी कभी होता है ना रन तो बन रहे पर बैट पे बॉल वैसी नहीं लग रही, तब तक मजा नहीं आता जब तक बैट पे बॉल अच्छी लगी, पर आप बॉलर हो, आपके मैं चाहता हूँ एक IPL का, इंडिया का, रणजी ट्रॉफी या किसी भी सीजन का, आपका पर्सनल बेस्ट कौन सा सीजन था जब आपको मजा आ रहा हो बॉल डाल में? यार ऐसे तो बहुत सीजन है पर मेरा पर्सनल फेवरेट एक तो जब मेरा कमबैक था 2013 में रणजी ट्रॉफी में, उस साल मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बना, 43 विकेट्स थी मेरी, तो कमबैक के बाद ही ड्रॉप हुए थे उस समय में, उससे पहले मतलब ड्रॉप नहीं हुआ था, 2008 में जब अंडर 19 खेल के आया था तो 2009-10 का सीजन खेला था, तो उसके बाद मेरे को पिक नहीं करा था उसके नेक्स्ट सीजन में, मतलब 3 मैच के बाद मेरे को 23 भेज दिया, फिर मैं 23-22 ये खेलता रहा, फिर जब मैंने 22 में टॉप क्लास परफॉर्मेंस करी थी फिर मेरे को रणजी की कॉल हुई थी, हाँ जी, फिर रणजी की कॉल होने के जिस दिन मैं बॉल डाल रहा था उस दिन मेरे साइड स्ट्रेन हो गया नेट्स में, तो नेट्स में साइड स्ट्रेन हो गया, देन आई गेट इन टू की मतलब मैं बाहर हो गया, फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट हुआ क्योंकि एज ग्रुप खत्म हो चुका था उस टाइम पे 22 का, क्योंकि उस साल 22 थी तो मैं 22 साल का हो चुका था, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करा, फिर रणजी ट्रॉफी का पहला मैच खेला अगेंस्ट हैदराबाद मोहाली PCA में, पहली इनिंग में एक भी विकेट नहीं मिली, बॉल डाला कोई विकेट नहीं मिली पर बॉल अच्छा गिर रहा था, सेकेंड इनिंग में जब हमें आउटराइट चाहिए थी उसमें मैंने 6 विकेट हॉल मारा, तो वो एक कहते ना चाबी लगी और फिर वो चाबी काफी चली, वो लंबी चली, अगले अभी तक मैं खेलता आ रहा हूँ उस टाइम से 2013 से अभी तक रणजी ट्रॉफी और वनडे T20 सारा कुछ खेलता आ रहा हूँ, तो वो काफी अच्छा प्रोसेस था, कई सेटबैक्स भी थे तो डेफिनेटली वो नहीं होंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस में इम्प्रूव करना है, और वो टाइम था 2013 वाला उसमें वो था, और जब मैंने 2007 में हिंदुस्तान को जिताया फाइनल ओवर डाल के एक वो था,
और फिर कई मूवमेंट्स थे आईपीएल के बीच में, जब सनराइजर के लिए लास्ट ओवर्स डालता था उसमें बॉल डालना, मेरे को अभी भी याद है। सबसे बड़ा जीते नहीं थे, माही भाई तब पुणे की कोई टीम थी उसके लिए खेल रहे थे, क्योंकि चेन्नई को बैन लग गया था पुणे। तो उस मैच में माही भाई को लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे, और 11 रन उनके लिए दो बॉलों की बात है जो मेरे को समझ है, चाहे जो मर्जी बॉलर हो जो मर्जी। और उस टाइम पे मैंने वो 11 रन लास्ट बॉल पे जाके बनवाए थे, मतलब लास्ट बॉल पे बन गए थे, जीत एट द एंड माही भाई की हुई, पर ये मेरे को एक गट फीलिंग आई कि मैं बॉल डाल सकता हूँ, जितना भी तगड़ा बैट्समैन हो उसको मैं बॉल डाल सकता हूँ, जे अगर मैं माही भाई को रोक सकता हूँ, तो वो एक गट फीलिंग आई मेरे में। तो उस चीज को मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब ये तीन चीजें हैं जिसमें मेरे को ये लगा कि एक मेमोरेबल है, तो मतलब वो चीज मेरे को बड़ी अच्छी फील है। ठीक भाजी, काफी मजा आया भाजी आपसे बात करके, आप मेरे को भी लग रहा आपकी ओल्ड मेमोरीज थोड़ी आज फ्लैशबैक हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। काफी टाइम बाद बात कर दूंगे उसके बाद, थोड़ा इमोशनल भी हो गया भाजी, जो होना नहीं चाहिए था। और भाजी मैं चाहता हूँ यहाँ से हम एपिसोड को खत्म भी करते हैं, बट एंड में मैं चाहता हूँ, देखो कितने टाइम से भाजी आप ऑलमोस्ट 10+ ईयर से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, इतने सारे मैचेस खेल चुके हो, मैं चाहता हूँ आप जो यंगस्टर्स हैं और जो क्रिकेट शुरू भी कर रहे हैं, मीडियम पेसर हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप प्लीज? हाँ, मैं डेफिनेटली यार उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि यार एक सबसे जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी है, बीच में एपिसोड में भी बात करी है, कि स्लीप, हीट और जो वर्थ एथिक्स है, ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और एज अ फास्ट बॉलर, तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि फास्ट बॉलर की छोटी लाइफ है, क्योंकि उसका वेयर एंड टीयर बहुत होता है, सब कुछ उसको अपनी बॉडी को भी करना पड़ता है, एज का भी फैक्टर रहता है। पर मेरा ये मानना है हमेशा एज और ये सारी चीज़ें इट्स इन द माइंड, अगर आप सोचोगे कि इफ़ यू आर गुड इनफ टू डिलीवर इन एनी स्टेज ऑफ योर करियर तो यू विल। और अच्छा खाओ यार, अच्छा सो और अच्छा अपने वर्थ एथिक्स करो, आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के हिसाब से वर्थ एथिक्स करो। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, यंगस्टर हो चाहे जो भी बंदा हो, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स हु एवर इट इज, चाहे वो कोई घर में आपके काम करने वाला हो या फिर आपके बाहर कोई हेल्पर हो, तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दोज पीपल। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाजी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपके भाई बोल रहे भाई जी। अरे नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था और बीच में थोड़ा इमोशनल भी आया, थोड़ा इमोशनल इसलिए हो गए अपना अंडर 19 इंडिया की बात करके और अपनी इंडिया डेब्यू को याद करके, ऐसा हो जाता है क्योंकि इतनी सारी फीलिंग्स जुड़ी रहती है। एंड आई होप इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, अगर सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।